ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, آج نماز میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس میں سب سے آخری آیت یہ پڑھی گئی. پوری ایک آیت جو میں نے پڑھی یہ سب سے آخر میں یہ آیت پڑھی گئی ہے. اس لیے میں مناسب خیال کرتا ہوں آج آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر بیان کروں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آپ کا ملنا آخری ہو, تو آخری آیت ہے, آخری بیان ہے. اس سے پہلے کل نماز میں جو سورت پیش آئی تھی وہ مسئلہ سمجھانا بھی ضروری ہے. بہت سے بھائیوں کو وہ مسئلہ نہیں معلوم. قرآن کریم میں 14 یا 15 سجدے کی آیتیں, ان آیتوں کے بعد سجدہ کرنا ہے. کرتے ہیں ہم نمازوں سجدہ کرتے ہیں, آج بھی کیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ پڑھ کر آدمی فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لے تو رکوع بھی ہو جائے گا سجدہ بھی ہو جائے گا. سورہ سعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا خر رات ام و اناب, تو وہاں جو خر رات ان ہے رکو میں گر پڑے, وہاں سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے کہ سجدہ تو کرنا چاہیے. جگہ جگہ یہی آتا ہے وللہ یسجدو,
अल्लाह के लिए सजदा करती है तो सजदा करना चाहिए, ये तो असल मसला है। लेकिन अगर सजदे की जगह पर रुकू कर लिया जाए और रुकू में सजदे की नीयत कर ली जाए तो सजदा अदा हो जाता है। रुकू भी हो जाएगा, नमाज वाला रुकू हो जाएगा और तिलावत वाला सजदा रुकू में हो जाएगा। और जो रुकू में सजदे की नीयत नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसको यही पता नहीं चला कि आयते सजदा पड़ी गई, या ये तो पता चला लेकिन वो ये मसला नहीं जानता था। रुकू में भी सजदे की नीयत हो सकती है, ये मसला नहीं जानता था, इसलिए उसने रुकू में सजदे की नीयत नहीं की। तो फिर जब इमाम रुकू से खड़ा होगा और सजदे में जाएगा, मुक्तदी सजदे में जाएगा, तो सजदे में मुक्तदी का सजदे तिलावत ऑटोमेटिकली अदा हो जाएगा, नमाज का सजदा भी हो जाएगा और वो सजदे तिलावत भी अदा हो जाएगा, बगैर नीयत के ऑटोमेटिकली अदा हो जाएगा। लेकिन मुक्तदी के सजदे में इतनी ताखिर हो, इसलिए किताबों में मसला ये लिखा है कि ऐसा करना ठीक नहीं, मुस्तकिल सजदा करो, ताकि मुक्तदी बाल मुक्तदी जिन्होंने रुकू में नीयत नहीं की उनके सजदे में ताखिर न हो। इसलिए रुकू में इमाम को, तन्हा आदमी नमाज पढ़ता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन इमाम को रुकू में सजदे की नीयत नहीं करनी चाहिए, मुस्तकिल सजदा करना चाहिए ताकि बाद मुक्तदियों के सजदे में ताखिर न हो। लेकिन जैसा हमारे इमाम साहब ने किया था उसमें सजदा सबका अदा हो, जिसने रुकू में नीयत की उसका रुकू में अदा हो गया, जो मसला नहीं जानता था तो सजदे में जाकर सबका खुद ब खुद अदा हो गया। अब मसला समझो, आयते रुकू पढ़कर फौरन रुकू में चला गया, आयते सजदा पढ़कर फौरन रुकू में चला जाए और सजदे की नीयत कर ले तो सजदा अदा हो गया रुकू के साथ। और अगर आयते सजदा पढ़कर एक आयत या दो आयते आगे पढ़ ली और फिर वो रुकू में गया और नीयत कर ली तो भी सजदे तिलावत अदा हो गई, नहीं नीयत की तो सजदे में ऑटोमेटिकली अदा हो गई। और अगर आयते सजदे के बाद तीन आयतें पढ़ ली, अब सजदा फौत हो गया, अब रुकू में सजदा नहीं अदा होगा, सजदे में सजदा नहीं अदा होगा, तीन आयतें पढ़ ली बस काफी फासला हो गया, लिहाजा ये सजदा रह गए, इसके अदा करने की कोई सूरत नहीं। एक ही सूरत है कि फिर पीछे से पढ़े और आयते सजदा उसी रकत में पढ़े और फिर सजदा करे, तो एक मजलिस में आयते सजदा चंद बार पढ़ी जाती है तो एक ही सजदा आता है। लेकिन अगर ऐसा न करे तो ये सजदा रह गया है, इसको नमाज के बाद भी नहीं कर सकते, नमाज के अंदर भी नहीं कर सकते, ये सजदा फौत हो गया है, एक वाजिब उसके दिन में रह गया। वो कल का मसला था, कल मैं समझाना चाहता था लेकिन जहन से निकल गया तो आज समझा दिया। दूसरा एक मसला और वो ये है कि कुर्सी पर बैठकर खिताब करना है तो सियासी लोगों का तरीका है। आप कुर्सी पर बैठकर क्यों तकरीर करते हैं, चेयरमैन क्यों बनते हैं? ये जो चेयर है ये बहुत बुरी चीज है, बड़ी बुरी चीज है, जब ये पीछे चिपक जाती है तो फिर वो छूटती नहीं, कुछ भी कर लो फिर वो चेयर वहां से छूटती नहीं। तो एक दोस्त ने ये कहा कि आप चेयर क्यों लिए लिए फिरते हैं, आप तो सियासी आदमी नहीं। तो उसका जवाब सुनो, एक है तकरीर जिसको अरबी में खुतबा कहते हैं, लफ्ज खुतबा के माने हैं लेक्चर तकरीर, और एक है दर्स जिसको बयान कहते हैं। तकरीर 10 मिनट की तकरीर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की होगी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होते हैं, बड़े बड़े मुकर्रर आते हैं, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, तकरीर में इतना ही होता है। और दर्स जब हम देने बैठते हैं तो 3 घंटे 3.5 घंटे कभी 4 घंटे मुसलसल दर्स देते हैं, बुखारी शरीफ 4 घंटे मुसलसल पढ़ाता हूँ,
तो ये सब हमेशा फर्क करना चाहिए, एक है तकरीर लेक्चर खुतबा और एक है दर्श बयान। जब दर्श और बयान लंबा होता है तो खड़े खड़े कब तक देगा, थक जाएगा। दरसगाह में भी जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो बैठते हैं, अगर थोड़े तालीब इलम हो तो जमीन पर बैठते हैं, ज्यादा तालीब इलम है तो चौकी रखकर चौकी पर बैठते हैं, खत्म बुखारी का जलसा होता है तो चौकी के ऊपर भी कुर्सी रखकर बैठते हैं ताकि सारा मजमा देख सके। मकसद जितना भी लंबा चलता चला जाएगा थकेगा नहीं आदमी। अभी शाबान में मेरे साथ एक किस्सा पेश आया। अक्कल कुआ एक कस्बा है, वहाँ एक बड़ा मदरसा है, वहां मैं वहाँ सालाना जलसे में गया तो उन्होंने जो स्टेज पर मजमा बड़ा था, मेरे साथ 15-20 हजार का मजमा था, और स्टेज को जो कुर्सी बनाई थी वो कुर्सी और यहाँ भी एक आड़ लगा रखी, यूं भी आड़ लगा रखी और सामने नजर आता है। जब मैं वहां जाकर बैठा तो अब आधा मजमा जो इधर है वो तो देखता ही नहीं, पर आधा मजमा जो इधर है वो भी देखता नहीं, सामने नजर मुझे आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये जो मैनेजमेंट जिन्होंने किया है, इन्होंने ये कुर्सी खिताब के लिए सही नहीं रखी, मैं खड़े होकर तकरीर करता तो मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा होगा तो सारा मजमा मुझे देख रहा है। आधा घंटा तकरीर की और मेरी कमर में दर्द हो गया, अब मेरे लिए खड़ा रहना मुश्किल। तो मैंने कहा कि भाई अब मेरी कमर दुखने लगी है, अब मैं बैठ जाता हूँ। बाकी तकरीर मैंने बैठकर पूरी थी, मेरी कमर में दर्द हो गया, आदत नहीं है, क्योंकि मैं सियासी आदमी तो हूं नहीं, लेक्चर तकरीर का आदमी नहीं हूं, मैं तुम पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूं और घंटों पढ़ाता हूं, और खड़े होकर खिताब करने का कहीं तरीका ही हमने कभी अपनाया ही नहीं। कभी जरूर 5-10 मिनट का कोई ऐलान करना हो तो हम खड़े होकर कर देते हैं, लेकिन लंबा बयान हम खड़े होकर के आदत नहीं है। इसी शाबान में मैंने खड़े होकर तकरीर शुरू की, आधा घंटे के बाद इतनी कमर दुखने लगी कि खड़ा रहना मुश्किल। मैंने माजरत की मजमे से कि भाई अब मेरी कमर दुख रही है, अब मैं बैठ जाता हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि छोटा सा बयान 15-20 मिनट का जैसे जुमा में खुतबा होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जुमा का खुतबा खड़े होकर देते, वो खुतबा छोटा सा होता था, मुख्तसर सा खुतबा होता था। जुमा से पहले बहुत लंबा खुतबा देना ये सुन्नत के खिलाफ। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, इन तूल, जो उलमा है वो अल्फाज देखें, इन तूल सलात रजुल व कसर अल खुतबा मिअन्नतुम मिन फिक्ही। आदमी की नमाज का लंबा होना यानी जुमा की नमाज लंबी पढ़ाए, और खुतबा का मुख्तसर होना यानी नमाज के एतबार से खुतबा का मुख्तसर होना, ये अलामत है कि आदमी बड़ा समझदार है। बात फैला कर कहना ये कोई कमाल नहीं, बात समेट कर थोड़ी देर में कह देना ये कमाल है। तो नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, और मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है कि आदमी जुमा पढ़ाए तो नमाज लंबी पढ़ाए, खुतबा उस नमाज से मुख्तसर दे, तो ये दलील है कि आदमी समझदार है, उसको तकरीर करना खुतबा देना आता है, उसको जो बात कहनी है उसने समेट कर थोड़े वक्त में कहे। तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा बहुत मुख्तसर देते, और यही कमाल है, उसके बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आपका यही मुल्क है, इस मुल्क का एक सदर गुजरा है इब्राहिम लंकन, इसी अमेरिका का सदर गुजरा है इब्राहिम लंकन, बड़ा गजब का मुकर्रर था और हाफजा इतना कवी था कि 10,000 आदमियों के पते उसे जुबानी आते थे, और माना हुआ मुकर्रर था। एक मरतबा
अखबार वालों ने, नामा निगारों ने उससे पूछा कि अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए और उस पर बात करने के लिए 10 मिनट दिए जाए तो आप कितने दिन में तैयारी करेंगे? तो उसने कहा इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में मैं तैयारी कर लूंगा। तो नामा निगारों ने कहा कि अगर आपको बजाय 10 मिनट के 20 मिनट दे दिए जाए तो उसने कहा इन 1 वीक्स, 1 हफ्ते में तैयारी कर लूंगा। तो नामा निगारों ने कहा कि अगर 20 मिनट के बजाय आपको 30 मिनट आधा घंटा दिया जाए तो इब्राहिम ने कहा ऐसे लेक्चर के लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी, जब चाहे करा वो ऐसा लेक्चर। आधा घंटा मुझे मेरी बात पेश करने के लिए मिले तो उसके लिए क्या तैयारी करनी, इधर से बात पूरी कर लूंगा। लेकिन वही बात 10 मिनट में कहनी है, उसने कहा मुझे 2 हफ्ते लगेंगे तैयारी करने। तो थोड़े वक्त में बात समेट कर कहना ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आखिरी बीमार हुए और उनको ये गुमान हुआ कि शायद वो बचेंगे नहीं, तो उन्होंने ये चाहा कि अपने बाद यजीद के लिए अपनी जिंदगी में बैत ले लें। क्यों? अगर हजरत मुआविया इंतकाल कर जाएंगे, अपने पीछे किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं करेंगे तो तलवार निकलेगी, और पहले कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, फिर उम्मत में लड़ाइयाँ होंगी, तो उम्मत में तलवार न निकले इसलिए हजरत ने चाहा कि अपने सामने यजीद की बैत ले गए। उन्होंने पूरे मुल्क के नामवर लोगों को बुलाया, दरबार किया, मजलिस बुलाई। जब सारे लोग आ गए तो हजरत नहा कर, कपड़े पहन कर, तेल वेल लगा कर ऐसे बन करके आए कि मजमे को एहसास न हो कि बीमार है, मरने वाले, बनठन करके आए। और एक आदमी को मुकर्रर किया था कि उसे मजलिस में इस मौजू पर तकरीर करनी, टॉपिक है हजरत मुआविया के बाद यजीद के हाथ पर बैत करो, ये टॉपिक है। एक आदमी को मुकर्रर किया कि वो उसको आकर मजमे में दरबार में तकरीर करनी। जब दरबार भर गया तो वो मुकर्रर फौजी वर्दी में आया तकरीर करने के लिए, वर्दी फौज की वर्दी पहन करके आया, और उसने तकरीर में सिर्फ 3 जुमले इस्तेमाल किए, सिर्फ 3 जुमले। आया, खड़ा हुआ और उसने कहा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अमीरुल मोमिनीन हादा, और हजरत मुआविया की तरफ इशारा किया कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन ये है। उसने कहा अय्युहन्नास, अमीरुल मोमिनीन हादा, वह बादहू हादा, यजीद की तरफ इशारा किया, वो भी वहीं बैठा था, वह बादहू हादा, इनके बाद अमीरुल मोमिनीन ये है, वह इल्ला फहादा। उसने कहा अगर इनके बाद इनको अमीरुल मोमिनीन नहीं मानोगे तो ये तलवार निकलेगी उम्मत में और मालूम नहीं कितने मरेंगे लोग। वह इल्ला फहादा का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें मार मार के भुरता बना देंगे, ये मतलब नहीं। अगर इनके बाद इसको अमीरुल मोमिनीन नहीं मानोगे तो उम्मत में तलवार निकलेगी और पुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे। वह इल्ला फहादा, तलवार उसने दिलाई, बैठ गए, सिर्फ 3 जुमले बोले, सारे मजमे को सांप सूंघ गए, और उसी मजलिस में सबने यजीद के हाथ पर, पूरे मुल्क के बड़ों ने, अकाबिर ने यजीद के हाथ पर बैत कि हजरत मुआविया के बाद हम इनको खलीफा मानते हैं। और हजरत मुआविया ने उस मुकर्रर से कहा अंत अख्तुबुल अरब, तू अरबों में सबसे बड़ा मुकर्रर, क्योंकि घंटे 2 घंटे में भी तो यही जहन बनाना है कि हजरत मुआविया के बाद इसको बैत करो वरना उम्मत में तलवार निकलेगी, ये जहन बनाने के लिए उसने 3 जुमले बोले और 3 जुमले में काम हो गई। तो लंबी चौड़ी तकरीर करना ये तो
कोई मुश्किल नहीं है, और मुख्तसर से वक्त में बात कह देना। तो मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ गलत तरीका चला हुआ है, आपके अमेरिका में भी गलत तरीका चला हुआ है और कनाडा में भी गलत तरीका, बर्तानिया में नहीं। टोरंटो में जिस मस्जिद में मैं रहता हूँ उसके जो इमाम साहब हैं वो हमारे हिंदुस्तान रामदेव के पढ़े हुए हैं। वो पहले तो वक्त होने के बाद में मैं बयान करता हूँ, तो मैं तो 15 मिनट बयान करता हूँ, 20 मिनट बयान करता हूँ, उसके बाद वो 20 मिनट का खुतबा पढ़ते हैं किताब लेकर। एक इमाम हरम के खुतबे छपे हुए हैं लंबे चौड़े, वो 15-20 मिनट का खुतबा पढ़ते हैं, और फिर जुमा पढ़ाएंगे तो इन्ना आतेना कल कौसर और कुल हुवल्लाह अहद। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या करते हो तुम, अरे तुम्हारे पास कहा लोगों के पास जॉब वालों के पास टाइम नहीं है, भाई जॉब वालों के पास टाइम नहीं तो तुम्हें 20 मिनट का खुतबा क्यों देते, 10 मिनट का दो और नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ो। मेरे 20 मिनट है, 10 मिनट कर दो, मैं 10 मिनट में बात कहूंगा, 10 मिनट मेरे कम कर दो, 10 मिनट तुम अपने खुतबे में से कर दो, नमाज तो सुन्नत के मुताबिक पढ़ो। बार बार मैं उन्हें समझाता, मुझे नहीं समझ में आता, यहाँ के लोगों की समझ में ही नहीं आता, कुछ भी समझा दो मगर उनका कानों पर जू ही नहीं रहेंगे। मैं इस मुल्क में आया तो यहाँ भी यही हो रहा है, मैं देखता हूँ उर्दू तकरीर होगी, अंग्रेजी तकरीर होगी, आधा घंटे पौन घंटे का लेक्चर होगा और जुमा पढ़ेंगे उसमें वल्लासरीन इंसान अलग। मेरे भाइयों ये गलत है, मैं बार बार कहता हूँ कुछ नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, और तुम्हारे पास जॉब वालों की वजह से टाइम कम है तो अपनी उर्दू तकरीर कम कर दो, अंग्रेजी तकरीर कम कर दो, खुतबा शॉर्ट कर दो, कमी वहां करो, नमाज में कमी मत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा तो मिंबर पर खड़े होकर देते थे, लेकिन जुमा के खुतबे के अलावा और कोई बयान करते थे तो हुजूर अपने मिंबर पर बैठकर बयान करते। तो मिंबर पर बैठो या कुर्सी पर बैठो एक ही बात है, क्योंकि मिंबर का बयान जो होता था वो लंबा होता था। तो अब लंबा जो बहरहाल फर्क समझना है दर्श और बयान में और लेक्चर और खुतबे। लेक्चर खुतबा थोड़ी देर का होता है, वो खड़े होकर देना चाहिए, ये बैठ कर देना चाहिए, चाहे मिंबर बैठने के काबिल हो मिंबर पर बैठ जाओ, मिंबर न हो तो कुर्सी पर बैठ जाओ, नहीं तो नीचे चौकी रख कर उस पर बैठ जाओ, ताकि जितनी देर भी बयान होता रहे आदमी थके। तो इसलिए हमारे दोस्त ने कहा कि आप सियासी आदमी नहीं हैं, आप चेयर लिए लिए क्यों फिरते हैं, चेयरमैन क्यों बनते हैं, चेयर पर बैठ कर तकरीर क्यों करते हैं। तो मैंने उसको वजह बताई, मैं चेयर लिए लिए कहाँ फिरता हूँ, तो यहीं पड़ी है, मैं कहाँ चेयर लिए लिए फिरता हूँ, आता हूँ आपने चेयर रखी बैठ जाता हूँ, अगर चेयर नहीं हो रिश्ते पर बैठ कर तकरीर करूंगा, मिंबर पर बैठ कर तकरीर करूंगा। और मिंबर से अच्छी चेयर है, और चेयर भी वो चेयर जिसमें ये दो डंडे हों, और अगर डंडे न हो तो तकरीर में तवज्जो नहीं रहती तकरीर की तरफ, जल्दी से तकरीर खत्म हो जाती। एक किस्सा पहले भी मैंने सुनाया था, फिर सुनाऊं। एक बैरिस्टर एट लॉ थे, उनके यहाँ एक मुकदमा था कत्ल का, उनके मुकाबिल जो था एडवोकेट था, छोटे दर्जे का वकील था उसने, और ये जो बैरिस्टर था ये कभी कोर्ट में हारता नहीं था, और वो वकील जो था वो दूसरे दर्जे का था, उसको एक खतरा था कि ये मुकदमा मैं हार जाऊंगा ये जीतेगा। तो जिस दिन फाइनल बहस थी उस दिन वो छोटा वकील इस बैरिस्टर के मुलाजिम के पास गया और उसने 10,000 की गड्डी दी कि ले ये 10,000 रुपये, एक काम करना। क्या काम करना है? उसने कहा जब कल साहिब कोर्ट में जाने के लिए शेरवानी पहने
तो ऊपर से चौथा बटन काट देना, बस इतना ही काम करना है या 10,000। तो उसने कहा इसमें क्या परेशानी है, चुनाचे वो जल गए, उसे चौथा बटन बड़ी सफाई से काट दिया। वो बैरिस्टर साहब शेरवानी पहन करके कोर्ट में पहुंचे, जब बहस करने के लिए खड़े हुए तो उनकी आदत थी वो चौथा बटन यूं यूं सहलाते रहते थे और तकरीर करते थे। ये उनका तकिया कलाम था, ये उनकी हैबिट थी, ये बुरी आदत थी उनकी कि वो बटन यूं यूं करते रहते थे और तकरीर करते थे। उस दिन जब वो जज के सामने तकरीर करने खड़े हुए और वहां हाथ में था बटन ही नहीं, दिमाग ऐसा आउट हुआ तो ढंग की तकरीर नहीं कर सका और मुकदमा हार गया। कोई भी आदत हो, टोरंटो में हमारे एक दोस्त हैं फारूक भाई तबलीग के, त्रिनिटी तबलीग वालों की या त्रिनिटी, तीन अमीर होते हैं, त्रिनिटी होती है उनमें से एक है, वो हर जुमले में तीन मरतबा माशा अल्लाह बोलते हैं। एक जुमले में तीन मरतबा माशा तो वो मेरे दोस्त हैं, एक मरतबा वो कुछ ऐलान करने के लिए खड़े हुए, मैंने कहा फारूक भाई माशा अल्लाह मत बोलो और बोलो तो करो ऐलान करो माशा अल्लाह मत बोलिए। एक दो जुमले बोले और बैठ गए, आगे बोल ही नहीं सके, वो माशा अल्लाह के बगैर बोल ही नहीं सके। ऐसे ही बात इंशाअल्लाह उनका तकिया कलाम, एक जुमले में तीन मरतबा इंशाअल्लाह, उनको कह दो भाई इंशाअल्लाह मत बोलो और बाकी बोलो तो नहीं बोल सकेंगे। तो हमारा भी जैसे वो बैरिस्टर साहब का चौथा बटन था, ऐसे हमारे ये दो तख्ते इस पर हाथ रखते हैं तो भी मजमून आता है, और अगर ये दो यहाँ से डंडे निकाल लो यूं हम बैठेंगे तो मजमून नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। उसके बाद एक मसला और समझो, अरबी जुबान में वर्ड का रूट होता है, उस जैसे रूट में से जड़ में से दरख्त निकल कर फैलता है, ऐसा अरबी जुबान में अल्फाज का रूट होता है, उस रूट में से निकलकर लफ्ज बहुत लफ्ज बनते हैं फैलते हैं। अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी में भी वर्ब या एडजेक्टिव जो है वो रूट होता है, फिर उसमें से तरह तरह से अल्फाज निकल करके नए नए वर्ड बनते हैं, ऐसा अरबी में अंग्रेजी में भी होता है मगर अंग्रेजी में कम बनते हैं, अरबी में बहुत लफ्ज बनते हैं। उनमें से एक रूट है जीम हा और दाल, जहदा, जीम छोटी हा और दाल जहदा, एक रूट है, इसमें से बहुत लफ्ज बनते हैं। उन लफ्जों में से एक लफ्ज जिहाद भी इसी रूप से बना है, लेकिन उस रूट में से जितने अल्फाज निकलते हैं सबका एक मतलब नहीं होता है, माना अलग अलग होते हैं। इसलिए इस आयत करीमा को पढ़ते हुए इसमें जो वर्ड आया है उसको समझो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वजाहिदु फिल्लाहि हक जिहादी, अल्लाह के दीन के लिए तन तोड़ मेहनत करो, जैसा अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का हक है। यहाँ जो जाहिदु आया है ये जिहाद नहीं है, वो जीम हा दाल के रूट में से एक अलग निकला हुआ वर्ड है, वो अलग लफ्ज है, ये दूसरा जिहाद नहीं है, जाहिदु है। और इस जाहिदु के माने हैं किसी काम के लिए इतनी मेहनत करना कि एनर्जी खत्म हो जाए, तन तोड़ हमारा बॉडी टूट जाए, एनर्जी खत्म हो जाए, अपने पास जितनी कुव्वत है सारी कुव्वत झोंक देना किसी काम में, ये माना है जाहिदु।
वजाहिदु फिल्लाहि, तन तोड़ मेहनत करो अल्लाह के दिन के लिए। यह मसला समझो, फी हर पे जर है, आप नहीं समझेंगे कि हर पे जर का क्या मतलब, तो आप यूं समझो, बगैर समझे समझो कि फी हर पे जर है, उसके बाद क्या आता है। उसके बाद अगर अल्लाह आए या अल्लाह की तरफ लौटने वाली जमीर आए, तो तमाम मुफस्सिरीन वहां लफ्ज़े दीन पोशीदा मानते हैं। وجاهدوا في الله اي جاهدوا في دين الله, अल्लाह के दीन के लिए तन तोड़ कोशिश करो। हक जिहादी, अल्लाह के दीन के लिए कोशिशों का जो हक है वो हक पूरा करो, इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। ये जो हक का जिहादी ही है इसको भी समझो। कुरान करीम में एक दूसरी जगह पर आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जैसा अल्लाह से डरने का हक। ये जैसा अल्लाह से डरने का हक, जैसा अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का हक है, एक ही अंदाज के जुमले। इनका मतलब क्या है, इतना मतलब, इसका मतलब ये है कि एक काम करने वाले की जानिब से और एक काम की जानिब से, दोनों में फर्क है। अल्लाह से डरो, हम बंदे हैं, जितना हमारे बस में है इतना डरते हैं। अगर इस मजमे में अगर मैं पूछूं कि कौन बंदा है जो अल्लाह से नहीं डरता, तो कोई हाथ ऊंचा नहीं करेगा। क्यों? वाकई माने में हर बंदा डरता है अल्लाह से, मोमिन है, और वो अल्लाह से ना डरे तो कैसा मोमिन है। लिहाजा अगर मैं इस मजमे से पूछूं कि बताओ कौन है जो अल्लाह से नहीं डरता, तो कोई भी हाथ ऊंचा नहीं करे। क्यों? हर आदमी अल्लाह से डरता है, मगर एक आदमी पांच नमाजें पढ़ता है, एक चार पढ़ता है, एक तीन पढ़ता है, एक दो पढ़ता है, एक एक पढ़ता है, एक सिरे से नहीं पढ़ता। वो जो सिरे से नहीं पढ़ता वो भी कहता मैं अल्लाह से डरता हूँ, एक वाला भी कहता है, दो वाला भी कहता है, तो फिर कैसे डर रहे? ये बंदे की जानिब से डर रहा है, हर एक अपनी अपनी गुमान के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक अल्लाह से डरता है। मगर मेरे भाइयों, ये डरना तकवा नहीं कहलाता, इस डरने का नाम तकवा नहीं है। अगर इस डरने का नाम तकवा है तो ये मजमा पूरा मुत्तकियों का मजमा है, और जो भी मुत्तकी है वो औलिया अल्लाह है, वली है, अल्लाह के दोस्त हैं। तो सारा मजमा औलिया अल्लाह का हो गया, वली हो गए, दोस्त हो गए, कैसे हो जाए? बल्कि तकवा ये है कि अल्लाह की जानिब से लिहाज करो, अल्लाह से डरने का जैसा हक है ऐसा जो डरता है वो है मुत्तकी, वो है अल्लाह का वली। इधर से देखा जाए तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जैसा अल्लाह से डरने का हक। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के सामने सरेंडर हो, हर हुक्म पर तुम्हारा अमल हो, उस हाल में तुम्हारी मौत आनी चाहिए। मौत कब आएगी कुछ पता नहीं, बस इस हाल में मौत किसकी आएगी जो हर वक्त अल्लाह के हर हुक्म का पालन कर रहा है, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल कर रहा है, वो उसके लिए मौत जब भी आ जाए वेलकम, हम तैयार हैं। यानी हमेशा हर आन हर लम्हा जिंदगी के हर सांस में अल्लाह से जैसा डरने का हक है, यानी कंप्लीटली अल्लाह के आकाम की इताअत करो। वरना बंदे की तरफ से तो हर बंदा कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, मगर इसका एतबार नहीं। मेरे भाइयों, इसी तरह समझो, अगर आपसे पूछा जाए पूरे मजमे से कि भाई आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत नहीं करता, नहीं करता, तो कोई हाथ ऊंचा नहीं उठाएगा। अरे कहेगा मैं अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन ये मेहनत काफी नहीं है,
अगर इतनी मेहनत से दुनिया में दीन फैलता तो आज 2/3 इंसान गैर मुस्लिम न होते। आज दुनिया की आप काउंट करो, 2/3 इंसान गैर मुस्लिम है, इस्लाम को नहीं मानते, और जो 1/3 मुसलमान है इंसानों में, उनमें भी 80% नमाज नहीं पढ़ते। ये नक्शा न होता, अगर अगर हर बंदा दीन के लिए मेहनत करता तो ये नक्शा न होता। लेकिन आदमी हर एक इस गुमान में है कि भाई मैं तो दीन के लिए मेहनत करता हूं, इसलिए ये जुमला बढ़ाया, वह जाहिदू फिल्लाह हक का जिहादी, अल्लाह के दीन के लिए तन तोड़ मेहनत करो जैसा अल्लाह के दीन के लिए मेहनत का हक है। अपने अपने ख्याल के एतबार से कि मैं तो कर रहा हूँ मेहनत, ये काफी नहीं, अल्लाह का दीन जैसा ता चाहता है, तकाजा करता है, ऐसी मेहनतें करो। फिर दुनिया के अहवाल के एतबार से ऐसी मेहनतें मुख्तलिफ होती है। मेरे भाइयों, मुसलमानों में 60% मर्द और औरतें अल्लाह के दीन पर अमल कर रहे हैं तो तबलीगी जमात में निकलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जहां 20% लोग दीन पर अमल, नमाज पढ़ने वाले न हो, कलमा जानने वाले न हो, बड़े हो गए हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बड़े हो गए हैं, दीन जानते ही नहीं, नमाज ही नहीं जानते, कलमा ही नहीं जानते, तो वहां तबलीग में निकलना पड़ेगा। और ये मुसलमान जो दीन से बेखबर हैं उनको दीन से आशना करना पड़ेगा। ये मकतबों में आकर के नहीं पढ़ेंगे, मदरसों में आकर नहीं पढ़ेंगे, इनको लेकर मस्जिदें फिरना पड़ेगा, मस्जिदों के माहौल में रखना पड़ेगा और उनको दीन सिखाना पड़ेगा। तो अब देखो, दीन की मेहनत मुसलमानों पर भी करनी है। कब? ये मुसलमान दीन न जानते, बड़े हो गए हैं, मकतब में मदरसे में नहीं आ सकते हैं, तो उनको तबलीग की मेहनत करनी पड़ेंगी। नहीं करोगे तो ये 80% जो मुसलमान है वो बेचारे इसी तरह से जिंदगी गुजार कर मर जाएंगे, अल्लाह के चले जाएंगे। इसी तरह से मेरे भाइयों, एक मुल्क है वहां सब मुसलमान हैं, कोई गैर मुस्लिम है ही नहीं, तो वहां गैरों में दावत का काम करना जरूरी नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में गैर हैं और मेजोरिटी में हैं, तो वहां दीन की मेहनत इन पर भी करनी, क्योंकि ये जो गैर मुस्लिम है ये भी हुजूर के उम्मती है। हुजूर की उम्मत दो हैं, एक उम्मत इजाबा है, एक उम्मत दावा है। हम उम्मत इजाबा है, हुजूर ने हमें दावत दी ईमान की, हमने कहा लब्बैक, हम तैयार हैं ईमान लाने के लिए, ले आए, तो हम उम्मत इजाबा है। और ये जो दूसरे नन मुस्लिम हैं ये भी सब हुजूर की उम्मत है, उनको बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, आओ आओ इस्लाम की तरफ, वो भी नहीं आए, वो भी हुजूर की उम्मत है। पर जब वो हुजूर की उम्मत है तो उस उम्मत पर मेहनत नहीं करनी। जैसे ये दीन से कोरे, नमाज न पढ़ने वाले, दीन से बेखबर, दीन से गाफिल, इन पर तबलीग की मेहनतें करनी जरूरी हैं। तो ये जो बेचारे बुलाए जा रहे हैं और सुनते ही नहीं, या उनको बुलाने वाला ही कोई नहीं है, तो इनको दीन की तरफ हुजूर का उम्मती बनाने बनने के लिए बुलाना जरूरी नहीं है। बहरहाल मुल्कों के एतबार से, हालात के एतबार से दीन की मेहनतें मुख्तलिफ हो। अपने घर पर मेहनत करनी है, अपनी औलाद पर मेहनत करनी, अपनी जात पर मेहनत करनी, पहले अपनी जात पर मेहनत करनी, फिर अपनी फैमिली पर मेहनत करनी, ये सब इस आयत के तहत में है। वजाहिदू फिल्लाह हक्का जिहादी, अल्लाह के दीन के लिए तन तोड़ मेहनत करो जैसा कि उसके लिए मेहनत करने का हक है। कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम वो अहली को नार, अरे वो लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपनी जातों को और अपनी फैमिली को दोजख की आग से। तो अपनी जात पर मेहनत करनी, और ये भी जिहाद है अपने अंदर दीन पैदा करने के लिए, ये भी एक जिहाद है, तन तोड़ मेहनत है। आसानी से आदमी अपने अंदर नहीं मेहनत कर सकता। मिसाल लो, एक बंदा है किसी मजबूरी में, जॉब की मजबूरी
या वाइफ की मजबूरी, उसकी वजह दाढ़ी नहीं रखता। किसी को जॉब की मजबूरी होती है, किसी की वाइफ की मजबूरी होती है, उसकी वाइफ कहता है कि झाड़ू क्या लगा रखी है। होती है मजबूरी, हर इंसान के घर के अहवाल अलग है। तो ऐसे माहौल में शरीयत के इस हुक्म पर अमल करना जिहाद नहीं, तन तोड़ कोशिश नहीं, मेहनत नहीं है। आखिरी दर्जे की मेहनत करेगा आदमी तो उसकी दाढ़ी आएगी। कुछ बंदे, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि वो दाढ़ी रखते हैं खशखशी, और वो अमल करते हैं हजरत मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब ने रसाइल व मसाइल में जो कुछ लिखा है उस पर अमल करते हैं कि इतनी दाढ़ी हो जाए तो बस शरीयत का तकाजा पूरा हो गया। हजरत मौलाना की जो अल्लाह के यहाँ चले गए, उनकी बात जो उन्होंने रसाइल व मसाइल में लिखी वो सही नहीं है। क्यों? खुद मौलाना मौदूदी का उस पर अमल नहीं था। मौलाना मौदूदी के फोटो छपे हुए हैं, मैंने तो नहीं देखा, उनको मौलाना को नहीं देखा, मगर फोटो देखा, माशा अल्लाह बेहतरीन दाढ़ी है उनकी। तो अगर इस्लाम का तकाजा पूरा होता था तो हजरत आपने इतनी दाढ़ी क्यों रख रखी? तो अपने लिखे हुए से हजरत मौलाना खुद मुत्तफिक नहीं थे, उनकी शानदार दाढ़ी थी। और हमारे हिंदुस्तान में रामपुर से एक रिसाला निकलता है जिंदगी, उसके एडिटर थे उरूज कादरी, वो भी अब नहीं है मेरे ख्याल से। उन्होंने अपने जिंदगी में कई सफ़ों का एक आर्टिकल लिखा है, उसका मेन जुमला ये है कि मौलाना मौदूदी ने जो ये लिखा है उनकी राय से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। ये उरूज कादरी लिखते हैं, वो जमात इस्लामी के आदमी थे और जिंदगी जमात इस्लामी का रिसाला था। उस रिसाले में उन्होंने मजमून लिखा है। हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में एक बड़े आलिम गुजरे हैं मौलाना यूसुफ लुधियानवी, उनकी एक किताब है इख्तिलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। जब वो किताब लिखी उन्होंने तो हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने छापा था उसे, और मैंने उसमें दाढ़ी का मसला आखिरी मसला था। तो मैंने जिंदगी में से मौलाना उरूज कादरी का ये मजमून लेकर उसका ज़मीमा बनाया। फिर अब पाकिस्तान से जो छपती उसमें ये मैंने जो ज़मीमा बढ़ाया था उसके साथ छपती। तो मुझे ये बताना है कि हजरत मौलाना ने जो रसाइल व मसाइल में लिखा था उससे मौलाना खुद मुत्तफिक नहीं थे, उनकी दाढ़ी भी माशाअल्लाह शानदार। और उनकी जमात का एक बंदा है जो उनके ही रिसाले में ज़िंदगी में मजमून लिखता है, और वो इख्तिलाफ़ उम्मत सिरात मुस्तकीम के आखिर में बढ़ा हुआ है, और उनमें लंबा मजमून है, दलाइल से उन्होंने बहस की है। और उनका ये जुमला है, मौलाना उरूज कादरी लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी की राय से मैं मुत्तफिक नहीं, और मौलाना उरूज कादरी में से मेरी मुलाकात है, बेहतरीन शानदार उनकी दाढ़ी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे की दाढ़ी नहीं है, वो रखेगा जिहाद करना पड़ेगा। एक बंदे की दाढ़ी वैसी है जैसे मौलाना मौदूदी ने लिखी है, और उनकी बात सही नहीं है, उनका अमल उसके खिलाफ था, उनकी जमात के लोगों ने उसकी तरदीद की है। बस हुजूर जैसी दाढ़ी रखना चाहेगा तो उसको जिहाद करना पड़ेगा। मौलाना मौदूदी ही ने रसाइल व मसाइल में एक किस्सा लिखा है, बड़ा अजीब किस्सा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यूरोप में एक यूनिवर्सिटी में चंद मुसलमान स्टूडेंट्स की कंपनी में एक ईसाई नौजवान था। तो ये मुसलमान स्टूडेंट की कंपनी में रहते रहते इस्लाम के बारे में उसे मालूमात हुई, और उसने इस्लाम का मुताला किया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जिस दिन उसने इस्लाम कबूल किया उस दिन से उसने दाढ़ी मुन्ना सब छोड़ दिया। तो वो जो मुसलमान स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा, अरे भाई ये तू क्या कर रहा है, ये यूरोप है, यूनिवर्सिटी के हम तालिब इल्म हैं, यहाँ तेरा दाढ़ी का मजाक उड़ेगा, इस्लाम में दाढ़ी रखना कोई ज़रूरी नहीं है, दाढ़ी के बगैर भी मुसलमान होते हैं, हजारों मुसलमान बगैर दाढ़ी के मुसलमान हैं, ये तूने क्या कर लिया? उस नौ मुस्लिम तालिब इल्म ने जो जवाब दिया है वो मौलाना मौदूदी ने रसाइल व मसाइल में लिखा है। उस नौ मुस्लिम तालिब इल्म ने जवाब दिया कि देखो भाई,
मैं अभी दो चार दिन हुए हैं मुझे इस्लाम कबूल किए हुए, मैं मसाइल नहीं जानता हूँ, इस्लाम में दाढ़ी रखना ज़रूरी है या नहीं, दाढ़ी रखने का हुक्म किस दर्जे का है मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि इस्लाम के जो कमांडर इन चीफ थे यानी आका ए दो जान, उनकी दाढ़ी थी और उन्होंने अपनी फौज को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, मैं तो रखूं। इस्लाम में दाढ़ी का हुक्म किस दर्जे का है मैं नहीं जानता, मैं तो दो चार दिन हुए मुसलमान हुआ, मगर इतनी बात मैं जानता हूं कि इस्लाम में जो कमांडर इन चीफ थे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी दाढ़ी थी और उन्होंने अपनी फौज को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। उसने कहा कि एक फौजी को ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो अपने कमांडर के अहकाम में से बाज को जरूरी और बाज को गैर जरूरी कर दे, कि कमांडर का ये हुक्म मानना जरूरी है और ये हुक्म मानना जरूरी नहीं है, किसी फौजी को यह हक ही नहीं पहुंचता, उसको तो कमांडर ने जो हुक्म दिया है उस पर उसको फॉलो करना है, उसको अमल करना है। तो अब मैं इस वाक्य में जो उस्ताद, वो जो नौ मुस्लिम तालिब इल्म था, उसने अपने नफ्स के साथ कितनी टक्कर ली होगी जो यूरोप की यूनिवर्सिटी के अंदर, लंदन में मेरी मस्जिद में एक नौजवान हमेशा मेरी तकरीर में आता था, इतना शानदार उसका लिबास, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं कुर्ता पजामा पगड़ी और शानदार दाढ़ी, कभी उसने मेरे साथ दाढ़ी को हाथ नहीं लगाया, वो मेरी मजलिस में हमेशा बैठता, तकरीर में बैठता था, मेरे पास भी बैठता था, लेकिन वो बहुत ही नौजवान था तो मैंने कभी उससे कोई गुफ्तगु नहीं की। लेकिन मैंने पूछा कि भाई तू कौन है, तो उसने कहा कि मैं लंदन यूनिवर्सिटी में लॉ का तालिब इल्म हूँ, लंदन यूनिवर्सिटी में लॉ कानून का तालिब इल्म हो। तो मैंने कहा तू लंदन और तेरा ये हुलिया और लिबास, उसने कहा मैं इसी लिबास में यूनिवर्सिटी अटेंड करता हूँ, यूनिवर्सिटी में लिबास बदल कर नहीं जाता, मैं इसी लिबास में यूनिवर्सिटी अटेंड करता हूँ और मेरे तमाम प्रोफेसर मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों हमेशा समझो, दीन पर अमल करने से आदमी की वैल्यू इज्जत बढ़ती है, गैरों के जहनों में भी इज्जत बढ़ती है, इज्जत घटती नहीं, जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं। मेरे भाइयों तो एक मिसाल थी, इसी तरह से खाने पीने की चीज़ें आपको स्टोर में बात चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी लेकिन वो डाउटफुल है, और कुछ चीज़ें सही मिलेंगी मगर वो महंगी होंगी या खुद जबा करके लाना पड़ेगा। आप खाने पीने में हलाल हराम का आप ख्याल रखेंगे, आपको अपने नफ्स के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, वक्त जाकर के फार्म में जाकर खुद जबा करके लाना पड़ेगा। लाओ भाई, हमारा एक मजहब है और हमारे मजहब का एक तकाजा है, वो तकाजा हम पूरा नहीं करेंगे तो और कौन पूरा करेगा। ये चंद मिसालें हैं, इन मिसालों को मेरे भाइयों फैलाते चले जाओ, जितनी अल्लाह का हुक्म ये है कि जाहिदू फिल्लाही, अल्लाह के दीन के लिए तन तोड़ मेहनत करो जैसा दीन के लिए मेहनत करने का हक, फिर अपनी जात से आगे बढ़ो, फैमिली पर जाओ, बच्चों पर जाओ, बीवी पर जाओ, उनको दीन पर लाना ये शौहर का बाप का जिम्मेदारी है। कुरान कहता है अपनी जात को जहन्नम से बचाओ और अपनी फैमिली को जहन्नम से बचाओ, फैमिली में बीवी भी आती है बच्चे भी आते हैं। और देखो 7 साल से छोटा बच्चा है, सबक याद ना करे, थप्पड़ मारा, लेकिन 10 साल का बच्चा हो जाए फिर थप्पड़ नहीं मार सकता, बड़ी उम्र का हो जाए उसे मार नहीं सकते, फिर क्या करेंगे, फिर तरकीब से बहुत नरमी से, बहुत नरमी से, मसलन बीवी है, मिसाल दूं मैं, बीवी है, नमाज नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, आप कुछ ना करें, आप रोजाना बच्चों और बीवी को लेकर बैठे और फजाइल आमाल में
फजाइल नमाज वाला हिस्सा लेकर सफ़े दो सफ़े सुना है, कुछ कहे सुना है, एक दिन सुना है, दस दिन सुना है, महीना सुना है। एक काम तो ये करें, दूसरा काम ये करें कि आप फर्ज तो घर में वहाँ पढ़े मस्जिद में और सुन्नत नफले घर में आकर पढ़ें, अव्वा भी निशा घर में पढ़ें, तहज्जुद घर में पढ़ें। मैं गारंटी देता हूँ एक महीना नहीं जाएगा कि आपकी बीवी भी आपके पास में मुसल्ला बिछा कर खड़ी हो जाएगी। इस मुल्क में आप वाइफ से कुछ कह करके दबाव डाल नहीं मनवा सकते, बच्चों से नहीं मनवा सकते, वाइफ के क्या मनवाए, लेकिन बच्चों को भी इसे लेकर बैठो और उनको ये बातें सुनाओ, पढ़ पढ़ करके सुनाओ, जौन सी जुबान समय अंग्रेजी में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, और बस सुनाते रहो सुनाते रहो और खुद अमल करके दिखाओ, अपना अमल उनके सामने उसवा नमूना पेश करो। देखो बहुत जल्द महीना दो महीने होते होते बीवी भी वहीं आ जाएगी और वहीं बच्चे भी वहीं आ जाएंगे। तो इस मुल्क में फैमिली पर मेहनत करने की शक्लें और हैं हालात के अतबार। बहरहाल अल्लाह पाक ये इशारा फरमाते हैं وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, अल्लाह के दीन को के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए जैसा अल्लाह के दीन का हक है ऐसी मेहनत करो। देखो अपनी ज़ात पर मेहनत करना, मुसलमान कम्युनिटी पर मेहनत करना, ये भी दीन फैलाने की मेहनत है, ये भी दीन फैलाने की मेहनत है। एक मसल है उर्दू की, अल्लाह जाने कहाँ से बनी है और क्यों बनी है। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये उर्दू की मशहूर मसल है, पता नहीं किस एतबार से बनी है, क्या उसका है बैकग्राउंड नहीं मालूम। खेत में ऐसा ही थोड़ा होता है, एक खरबूजा दूसरे खरबूजे को देखता है, कहा ये रंगीन हो रहा है मैं भी रंगीन हो जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। मगर मुहावरा यही है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। उम्मत मुस्लिमा दीन पर आ जाए तो ये उम्मत खुद दावत बनेगी लोगों के लिए। आप एक दुकान में जॉब करते हैं, आपका जाती अमल पूरी दुकान के तमाम मुलाजिमों को मुतासिर करेगा। आप एक फैक्ट्री में दो चार पांच मुसलमान काम करते हैं, अगर उनका जाती अमल इस्लाम के मुताबिक हो जाए तो पूरी फैक्ट्री के तमाम मुलाजिमों पर उसका असर पड़ेगा। उसके बाद अगला जुमला है हुआ ये तबाक, अल्लाह ने तुम्हें चूज कर लिया है, चुन लिया है, बरगुजीदा कर लिया है, यानी हुजूर से पहले एक नबी चले जाते थे तो दूसरे नबी मबूस होते थे और वो उम्मत के साथ मिलकर दीन का काम करते थे। अब हुजूर के बाद तो कोई नया नबी है ही नहीं, और कयामत कितनी दूर है अल्लाह जाने कितनी दूर है, और दुनिया कितनी फैली हुई है अल्लाह जाने कितनी फैली हुई है। उन सब तक हुजूर का लाया हुआ दीन कौन पहुंचाए, उम्मत पहुंचाए, अल्लाह ने इस उम्मत को चुन लिया है इस काम के लिए। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह के इल्म में तुम बेहतरीन उम्मत थे, चुनांचे अल्लाह ताला ने तुम्हें रिजर्व रखा था, किसी नबी को नहीं दिया, जब आखिरी नबी मबूस हुए तो उनको ये उम्मत दी गई कि लीजिए पहली उम्मतों में जो अंबिया काम करते थे आपके बाद आपकी ये उम्मत वो काम करे, लिहाजा तुम्हें भली बातों का हुक्म देना है, बुरी बातों से रोकना है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो। आदमी का अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो जब ही वो भलाइयों के हुक्म देगा, जब ही वो बुराइयों से रोकेगा, अगर खुद ही ढीला है तो क्या हुक्म देगा भलाइयों का और क्या रोकेगा बुराइयों से। बहरहाल ये उम्मत रिजर्व रखी गई थी और हुजूर को दी गई थी, वही मजमून है कि दीन के लिए तन तोड़ मेहनत करो, हुवा तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चूज किया है, तुम्हें मुंतखब किया है हुजूर की उम्मत बनने के लिए और हुजूर के मिशन को लेकर चलने के लिए तुम्हारा इंतखाब हुआ।
واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. फिर उसके बाद में एक सवाल मुकद्दर का जवाब है, कोई ये कैसे सोच सकता है कि भाई दीन के लिए मेहनत करना ये हम कमजोर उम्मतियों के ऐसे कैसे मुमकिन है, ये तो नबियों वाला काम है, अंबिया हैं और वो दीन का काम करें, हम कमजोर उम्मती दीन का काम कैसे करेंगे। तो कुरान ने कहा वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन के काम में कोई मुश्किली नहीं रखी है। ये समझना कि अंबिया ही ये काम कर सकते हैं ऐसा समझना सही नहीं है, हर उम्मती ये काम कर सकता है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, नहीं गर्दानी है अल्लाह ताला ने तुम पर दीन में, यानी दीन के लिए मेहनत करने में कोई तंगी नहीं है, यानी ये दीन के लिए मेहनत करना कोई मुश्किल काम है। जो लोग दाई है, एक किले के लिए तबलीग में निकल जाओ, एक किला गुजारते गुजारते तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तो कोई मुश्किल काम दीन के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, हर मुसलमान कर सकता है। घर बैठे बैठे बड़ा भारी मालूम होता है, कभी हम कैसे तो जाहिल हैं, हमें तो कुछ दीन पढ़े हुए नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं, लोगों को दीन की बात कैसे बताएंगे, तरह तरह के वसवसे आते हैं। और ये किले के लिए तबलीग में निकलो तो सारे वसवसे दूर हो जाएंगे और आदमी समझ जाएगा भाई दीन के लिए तो हर आदमी मेहनत कर सकता है। मैं कलमा जानता हूँ, जो कलमा नहीं जानता उसको कलमा सिखलाऊंगा, ये भी दीन की एक मेहनत है। मैं नमाज जितनी जानता हूँ, जो बंदा नमाज नहीं जानता उसको ये नमाज सिखलाऊंगा, ये भी दीन की मेहनत है। तो फरमाया वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने तुम पर दीन के मामले में कोई परेशानी सख्ती तंगी नहीं रखी। फिर उसके बाद फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये बात कुरान के जो पहले मुखातब थे, ये जो सूरत है सूरतुल हज, ये मक्की सूरत है, मक्का में उतरी। तो पहले जो कुरान के मुखातब थे मक्का के मुशरिकीन, उनसे कहा ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा हुआ आबा उना वरवा होना उम्महातुना, ये जो दीन लेकर आए हैं, अरे ये दीन नया थोड़े ही है, तो तुम्हारे फादर इब्राहिम का दीन है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अब्बा इब्राहिम की ये मिल्लत है जिसको ये लेकर आए हैं। और बाप दादा का नाम रोशन करने के लिए तो जेनरेशन एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, मेरे बाप दादा का नाम रोशन होगा। तो हुजूर का लाया हुआ दीन अगर तुम दुनिया में फैलाओगे तो तुम्हारे जद्दे अमजद का नाम रोशन होगा, हुजूर का ये लाया हुआ दीन ये तो तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम की मिल्लत है। आज ही हमारे हाफिजों ने आयत पढ़ी है लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीह ज़िक्रुकुम अफला तअक्लुन, कुरैश से कहा गया हमने एक ऐसी किताब नाजिल की है कि ये किताब दुनिया में जब तक रहेगी तुम्हारा नाम रहेगा। ये कुरैश की लैंग्वेज में कुरान उतरा है, अरब में सारे अरब ममालिक में तरह तरह की अरबी जुबानें बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी तरह तरह के मुल्कों में बोली जाती है, बरतानिया की अंग्रेजी और है, अमेरिका की अंग्रेजी और है, साउथ अफ्रीका की अंग्रेजी और है, सब अंग्रेजी बोलते, ऐसे अरबी भी डिफरेंट है। तो कहा ये कुरान ये कुरैश की जुबान में उतरा, तो ये कुरान दुनिया में जब तक रहेगा कुरैश का नाम जिंदा है। तो कहा लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीह ज़िक्रुकुम अफला तअक्लुन, तुम्हारे दिमाग में भेजा नहीं, समझते नहीं हो, इस किताब को दुनिया में तुम बढ़ाओगे और फैलाओगे तो तुम्हारा नाम रोशन हो। इसी तरह से यहाँ कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मिल्लत लेकर आए हैं ये कोई नई नया रिलीजन नहीं है, ये तो तुम्हारे जद्दे अबजद इब्राहिम अलैहि सलाम की मिल्लत है, तुम इसको उठो और इसे बढ़ाओ और पूरी दुनिया में फैलाओ, ये तो तुम्हारे जद्दे अबजद का नाम रोशन हो। फिर फरमाया कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लो वफी हाज, तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जानते हो तुम्हारा नाम क्या रखा है, पिछली जो किताबें हैं इंजील तौरात ये इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद उतरी,
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहले जो किताबें उतरी हैं नूह अलैहिस्सलाम पर, उन तमाम किताबों में तुम्हारा नाम है मुसलमान। ये फारसी लफ्ज है, इसमें अलिफ नून लग गए फारसी में, और अरबी में मुस्लिमुन, मीम सीन लाम और मीम मुस्लिमुन, और फारसी में अलिफ लाम लग गए तो मुसलमान हो गया। फारसी लफ्ज छोड़ो, अलिफ लाम को निकालो, अब मुस्लिमुन तुम्हारा नाम रखा हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारे दादा ने तुम्हारे जद्द अमजद ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, पिछली किताबों में भी और इस कुरान में भी, इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है हजरत इब्राहिम ने। पहले पाने के आखिर में थे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने काबा शरीफ चुनते हुए दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह हमें भी अपने अहकाम के सामने सरेंडर होने वाला बना, और हम दोनों की ये हम दोनों के जेनरेशन में से भी एक उम्मत आपके अहकाम के सामने सरेंडर होने वाली बना। ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन, ये मुस्लिम नाम रखा है। जब नाम है तो आदमी को अपने नाम का पासो लिहाज करना चाहिए। लफ्ज मुस्लिम और उर्दू और फारसी में मुसलमान, अलिफ लाम बढ़ गया बगैर, जिसको अरबी में कहते अलिफ नून ज़ाइद था, उसके क्या माने हैं वो मैंने कहा सरेंडर कर जुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जब बैलों के सामने जुआ उठाया जाता है तो शानदार बैल होते हैं, वो गर्दन डालते हैं और जुआ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गर्दन पर ले लेते हैं। तो तुम वो उम्मत हो जिन्होंने आगे बढ़कर गर्दन डाली और जिम्मेदारी कबूल कर ली कि हम हुजूर के लाए हुए दीन के जिम्मेदार हम हैं। जो तुम हो, तुम्हारा नाम तुम्हारे दादा ने मुसलमान रखा है, इस कुरान में भी मुसलमान तुम्हें कहा गया है, पहली किताबों में भी मुसलमान कहा, तो अपने नाम की तो लाज रखो। वसम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन कब्ल व फी हाज़ा, फिर फरमाया कि देखो इस वक्त रसूल तुम पर मेहनत करते हैं, हुजूर दुनिया में मौजूद थे, वो इंसानों पर मेहनत कर रहे, कौन कबूल की कर रहा दीन को कौन नहीं कर रहा, कल कयामत के दिन हुजूर गवाही देंगे कि इन बंदों ने मेरा दीन कबूल किया इन बंदों ने नहीं किया। लेकिन नबी ये बात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ता हयात इस दुनिया में रहने वाले, कयामत तक इस दुनिया में रहने वाले नहीं है, एक वक्त के बाद हुजूर पर्दा फरमाएंगे, तो हुजूर के दुनिया से जाने के बाद में पूरी दुनिया पर मेहनत तुम्हें करनी है, और तुम्ही को कल कयामत के मैदान में गवाही देनी होगी, गए अल्लाह हम आपके दीन की दावत लेकर उठे थे, इतने बंदों ने इन इन बंदों ने कबूल किया, इन इन बंदों ने कबूल नहीं किया, आज हुजूर मेहनत कर रहे हैं हुजूर गवाह बनेंगे, कल तुम्हें मेहनत करनी है तुम्हें गवाह बनना है। ليكون الرسول عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم, ताके बने रसूल गवाह तुम पर, वतकूनु शुहदा अलन्नास, और बनो तुम तमाम लोगों पर गवाह। नबी नबी तो तुम पर गवाह बनेंगे, जजीरतुल अरब के लोगों पर, जजीरतुल अरब में काम करने की जिम्मेदारी हुजूर की थी, और जहाँ वहाँ काम पूरा हुआ तो हुजूर को इत्तला दे दी गई कि वह हमारे यहाँ आने की तैयारी करे, और तमाम दुनिया के इंसानों पर काम करने की जिम्मेदारी उम्मत की। तो जैसे हुजूर काम कर रहे हैं, हुजूर कल गवाही देंगे, तुम काम करोगे तो कल तुम गवाह बनोगे। इनको कहते हैं सरकारी गवाह, ये सरकारी गवाह हैं, और सरकारी गवाहों पर जरा नहीं होती, सरकारी गवाहों पर जरा नहीं होती, ये जवाब ऐसा है इसमें कीड़े हैं इसमें ऐसा है, नहीं, मुद्दई के गवाहों पर जरा करता है मुद्दा आले, लेकिन सरकारी गवाहों पर जरा नहीं होती। तो कल कयामत के दिन
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزیرۃ العرب کے لوگوں پر جو محنت کی ہے تو گواہی دیں گے کہ انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا, اور پھر پوری دنیا میں دین لے کر تمہیں پہنچنا ہے, اور کل قیامت میں اللہ کی کورٹ میں کھڑے ہو کر تمہیں گواہی دینی ہے کہ پروردگار عالم ہم لے کر کے گئے تھے دین کی دعوت, انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جب دین کے لیے محنت کرنی ہے جیسا دین کا حق ہے اس کے لیے پریپریشن تیاری ضروری ہے. تیاری کیا؟ تیر و تفنگ نہیں, تیر و تفنگ کی ضرورت نہیں ہے, دین تیر و تفنگ سے نہیں پھیلا. کسی نبی کا دین تلوار سے نہیں پھیلا, تیر و تفنگ کی ضرورت نہیں ہے. پھر پریپریشن کیا ہے, تیاری کیسے کرنی ہے؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. بس تین کام کرنے ہیں, کوئی لمبا چوڑا فارمولا نہیں. ایک تو نمازیں ریگولر پڑھو, زکاتیں ادا کرو, اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو. واعتصموا باللہ, با حرف جر کے بعد اللہ آیا تو وہاں دین پوشیدہ رہے. واعتصموا باللہ, بس تین کام کرنے, ریگولر نمازیں پڑھو. آج ہر مسلمان پانچ نمازیں, پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والا بن جائے تو ملکوں میں انقلاب آ جائے, اور بغیر دعوت دیے لوگ دھڑاتھڑ اسلام کی طرف آنے لگے. اگر ہر مسلمان پانچ وقت کی صحیح نمازیں پڑھنے لگے اور مال کی زکات دینے لگے, اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لے, بھائی یہی دعوت بن جائے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں انڈیا میں بابری مسجد کا قصہ پیش آیا تھا, آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. وہ مسجد جب شہید کی گئی تو پورے ہندوستان میں دو باتیں ایک عجیب آ گئی. ایک تو کسی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی نمازیوں. میری مسجد ہے, میرے گھر سے سیم ڈسٹینس پر تین مسجدیں ہیں, یوں جاؤں گا ایک منٹ لگے گا, یوں جاؤں گا ایک منٹ لگے گا, یوں جاؤں گا ایک منٹ لگے گا. تو میں ایک منٹ پہلے ہی قلم رکھ کر اٹھتا ہوں اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. ان دنوں میں 10 منٹ کے پہلے جاتا تھا تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی کچھ نہیں. ہر مسجد کا یہ حال ہو گیا پورے انڈیا میں. اور دوسرا, ہر مسلمان بڑا اور چھوٹا جو ٹوپی پہن لے, اب ٹرینوں میں, بسوں میں, راستوں میں, شاپوں میں, روڈوں پر ہر ہاتھ مسلمان ٹوپی. تو ہندو لرز گیا, اس نے کہا ہم نے یہ مرے ہوئے سانپ کو کہاں زندہ کر دیا, یہ تو ہم نے ایک مسجد توڑی, یہ تو لاکھوں مسجدیں آباد ہو گئی. اور لوگوں نے دیواروں پر نعرہ لکھا, اسلام کے چاہنے والوں نماز قائم کرو. مگر یہ نقشہ 3 مہینے رہا, پھر کتے کی دم پھٹ چڑی ہو. کتے کی دم ہوتی ہے, اس کو نلکی میں گھساؤ لمبی کر, 100 سال رکھو, 100 سال کے بعد نکالو گے تو تین مہینے کے بعد وہی بات تھی. اگر وہ صورت حال اگر جو 3 مہینے تک رہی اگر کنٹینیوس رہتی تو ہندوستان میں کہوں تو میجورٹی 90% ہندو مسلمان ہو جاتا ہے, یہ نقشہ بن گیا. اور ہندوستان ہندو پریشان ہو گیا کہ بھائی ہم نے یہ سوئے ہوئے شیر کو کہاں جگہ دی ہے. تو میرے بھائیو یہ پریپریشن ہے. قرآن کہتا ہے کہ دین کے لیے محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نمازوں کا اہتمام کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کے دین کو مضبوط تھامو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ.
फिर दीन को चार दाम के आलम कौन फैलाएगा? अल्लाह फैलाएंगे, तुम नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह फैलाएंगे। हुआ मौला को, अल्लाह तुम्हारे कारसाज है। देखो तुम अपने आप को तैयार करो, देखो अल्लाह कैसा काम बनाते हैं। हुआ मौला को, फनीअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है और अल्लाह बेहतरीन मददगार है। तुम अपने आप को तैयार तो कर डालो दीन की मेहनत के लिए, देखो अल्लाह ताला क्या करिश्मा जाहिर करते। ये आज की आखिरी आयत थी जो पढ़ी गई थी, वो मैंने मुनासिब समझा कि आज के आखिरी मजलिस में यही आयत आपको सुना दूं। इसमें कोई तफसील की जरूरत नहीं है, हर बात क्लियर और कट। अल्लाह ताला इस आयत को समझने की और हमने दीन के लिए मेहनत की, अपनी जात पर पहले मेहनत करो, फिर अपनी फैमिली पर मेहनत करो, फिर अपने रिश्तेदारों पर मेहनत करो। कुरान में हुजूर पर यही हुक्म नाजिल हुआ है, वह अंदिर अशीर तक अकरबीन, पहले आप अपने नियरेस्ट रिलेटिव को पहले आप वार्निंग दें, समझाएं, दीन पर लाएं, अपनी दर्जा बदर्जा आगे बढ़ें। अगर हम ये मेहनत करेंगे, होता क्या है, अपनी जात पर हमारी नजर ही नहीं जाती। मेरे पास बार बार लोग आते हैं, हजरत मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, कोई तरकीब बतलाइए कैसे नमाज पढ़ता कर दू। मैंने कहा तेरी बीवी कहाँ से नमाज पढ़ेगी, तेरी दाढ़ी नहीं। उसे कहता हूँ तेरी दाढ़ी नहीं, तेरी बीवी कहाँ से नमाज पढ़ेगी। तू उसे नमाज पढ़ने के लिए कहेगा वो कहेगी कि तू दाढ़ी पहले रख तो मैं बाद में नमाज पढ़ूंगी। मेरे भाइयों, अपने ऊपर अमल करना है, अपनी जात पर पहले संवारो, फिर दूसरे पर मेहनत करो, फिर मेहनत आगे बढ़ो। और इस मुल्क में तदबीर से मेहनत करनी है, न सांप बचे न लाठी टूटे। औलाद पर भी यहाँ मेहनत नरमी से करनी है, फैमिली बीवी पर भी मेहनत, माहौल बनाओ घर का, दीनी माहौल बनाओ तो, और अमल करके दिखाओ, इंशाअल्लाह सारी फैमिली इस रास्ते पर पड़ेगी। ये बातें हैं, इनको याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको दीनदार बनाए, दीन पर मेहनत करने वाला बनाए। और दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم يا إله العالمين ہماری نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو دین پر ڈال دے یا اللہ ہماری نسلوں کو ہماری اولاد کی حفاظت فرما دیندار بنا یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہماری کمیونٹی کو دیندار بنا یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما یا اللہ اس مسجد میں برکت پیدا فرما اس مسجد میں نمازیوں میں برکت پیدا فرما اس شہر کی تمام مسجدوں میں برکت پیدا فرما ہر مسجد کے نمازیوں میں برکت پیدا فرما یا اللہ سب مسلمانوں کو مسجدوں سے وابستہ فرما یا اللہ مسجد والے اعمال ہماری زندگیوں میں داخل فرما یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما یا اللہ جو کسی بھی ٹینشن میں پریشانی میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کے جائز مقاصد پورے فرما یا اللہ اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما ہمارا ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا جو کچھ ہو سکے اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا فرما یا اللہ یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری زندگیوں کو درست فرما اور جہنم سے ہمیں رستگاری عطا فرما اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ